पासपोर्ट ले लिए और इसको भी ले लिया। दुबई ना जाती मैं, जो चॉकलेट लाऊं। तो गाइस मेरी पैकिंग हो चुकी है, अब मैं रोहित की शुरू करूंगी। पैकिंग अभी चल रही है और मम्मी बचपन की तरह है पैकिंग करते हुए। मम्मी मम्मी ने पराठे पैक करके दूंगी, लड्डू पैक करके दूंगी। लड्डू तो बन गए। अरे लड्डू बना दिया मम्मी ने हमारे। नोके साबुन भी दी। झूठ बोल रहा है ये। झूठ तो फिर ये बताओगे। नहीं सच में झूठ बोल रहे। क्या मम्मी? हाँ यार दो वहाँ जिम वगैरह एक दो बार कर चला गया तो। जिम जाएगा ये सिंगापुर में। और क्या बीच में चले। अरे बोर हो जाए आदमी यार बहुत ज्यादा, जरूरी ना वाइफ के साथ आदमी हमेशा खुश रहे। अपना चेहरा दिखाइए जरा जरा ये बोलते हुए। नेगेटिव जाओ मम्मी आप देख लेगी। मम्मी ने पता ना है ये बोल के गया इंग्लिश में। आई हैव सुपर पावर्स यू नो। पैकिंग हो रही है ना मम्मी। गाइस पैकिंग हो रही है सिंगापुर के लिए और पेट मत देखो थोड़ा बाहर लगड़ रहा है। कुछ बोल कनिका व्यूअर्स को। पैकिंग हो रही है या कनिका पैकिंग कर रही है? हाँ जब से ऐसे ही खड़ी हो भाई वे। कुछ तो फायदा होना चाहिए ब्याह का। शर्ट लेनी है? ना ना इसको रख दे, कुछ तो फायदा होना चाहिए ब्याह का। अच्छा अच्छे से रख अच्छे से। क्यों नहीं? क्या क्या भी है? इतना ही है और तो कुछ फिलहाल तो इतना ही है और बाकी मम्मी खाने का भी डाल देंगे इसके अंदर छुपा देंगे ऐसे। तेरा बैग पैक हो गया? हां मेरा। ओ तेरे देख भाई शाणी पहले बैग पैक कर गेट पर रख दिया। क्योंकि मैं शॉपिंग करने नहीं गई थी ना, किसी की लास्ट मिनट की शॉपिंग रह गई थी इसलिए। गाइस अभी कनिका रेडी हो रही है, देखियो करियो घूमियो। वो तो चुन्नी ओढ़ रही हरियो के पहन रही है लॉन्ग ड्रेस तो अभी घर पे होगा इसलिए मैंने दुपट्टा ले रखा है। और वी आर रेडी फॉर सिंगापुर। और ये जमाई देख लो भाई। कनिका हाउ मच टाइम यू विल टेक टू बाइंड अप? 5-10 मिनट्स। तो आज भाई हमें सूरज ड्रॉप करके आएगा एयरपोर्ट पे। सी लागू होंगे ठीक ठीक है। कुछ कहना चाहोगे आप? अब फिलहाल मेरा मूड नहीं है। कितना सही बोला। और ये शानू को देखो भाई क्या कर रहा है। नवनी गुड मॉर्निंग। यो ना उठता भाई। बस कर दो अपन कनिका ने ब्लॉग लगाना है। पैकिंग सारी होगी, पासपोर्ट ले लिए और इसको भी ले लिया। चले भाई फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अरे इन्हें दे फोटो ही ला के दिए दोनों वाले। अरे यार आ गया भाई सूरज। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन टाइम। देख 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 दोनों हाथ से गाड़ी में आना इसको। ऊपर से जाओगी क्या चिन्नो? बिल्कुल आ जाएगा ऊपर से। निकल गया बेचारे का ना बाल क्या ऊपर से हटा दूंगी। साइकिल से चला ये हमारे साथ जाने की जिद कर रहा है पर क्या करें।
जितना ही हो इतना ही का पासपोर्ट बनाएगा। ऐसा लगा मम्मी सिलेक्शन लेने जाए। प्रोफेसर शीला छिगारा, आप क्या पढ़ाएंगी? सिंगापुर जा रही रिसर्च पे। बुआ जी कुछ बोलो। क्या ले आशीर्वाद कब? चलो बाय 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 बुआ। और भाई पहुंच गए टर्मिनल 3। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे और दी और जीजू छोड़ने आए थे हमें, तो चलो बैग उठा लेते हैं। पहले ही लेट हो रखे हैं हम, 3 घंटे पहले पहुंचना होता है। आ जाओ बाय। कनिका टाइम पे तो पहुंच गए ना हम। तो 6 घंटे पहले कहाँ आए हम? गाइस हमारी फ्लाइट है 10:50 पे और अभी बज रहे हैं 7। भाई बहुत हैवी बैग है, अपना बैग मेरे तो पकड़ा रखा है। अन्नू का हैवी बैग है, हद नहीं होगी यार। किस पे जाना है हमने यार? एक बात तो है, एयरपोर्ट पे थोड़ी सहूलियत तो हो जाए आदमी, है ना ही जावा रेलवे स्टेशन में कोई पान खाता पावे, कोई बीड़ी फूकता पावे ना। मस्त ठंड ठंडी हवा, मतलब मेरे को मेरे हस्बैंड पर्स भी नहीं उठाने देते। वाओ यार एक्साइटमेंट हो रही है, जिंदगी में पहली बार करके ना अपने आप भेजे हैं। ये तो है, मैं तो तेरे बता गए ना कि जाओ है, फोन आया करता कि गए जी, यही तो है। फाइनली गाइस 1.5 घंटा वेट करने के बाद हमारा और थोड़ा वेट करने का टाइम आ गया है। क्योंकि अब सीधा उससे पहले हम थोड़ा सा घूम ले हैं। मेरे को चप्पल ले लेनी है, अगर मिल गई अच्छी सी कंफर्टेबल सी तो मैं चप्पल ले लूँगी, बाकी कुछ खा लूँगी, भूख लग रही है। आप सबको पता कितना खाती हूँ मैं। रोहित खोया हुआ है अपनी धुन में। कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा, बहुत एक्साइटेड हूँ। पहली बार एक इंटरनेशनल फ्लाइट होएगी, इंटरनेशनल आगे बस इंटरनेशनल लोग होंगे, इंटरनेशनल फीलिंग होएगी, इंटरनेशनल खुशी होएगी, इंटरनेशनल पैसा होगा जो जो भी खर्च हो जाएगा, है ना? और तो पूछ ली अपनी, बताओ सबसे तेरा फेवरेट भोजन? वो भी इंटरनेशनल, इसको डर है कि कभी इसको फिश ऑयल ना खाना पड़े। वो तो सब कहते हैं कि वहाँ के खाने में ऑलमोस्ट फिश ऑयल होता ही है। भाई लाइन देख लो, इंडिया की ये खास बात है, कहीं चले जाओ लाइन जरूर मिलेगी। रोहित एंट्री के लिए झिकझिक कर रहा था और हमारी एंट्री डायरेक्ट हो गई, हमें लाइन नहीं लगना पड़ा, लाइन में नहीं लगना पड़ा, तो अब तो ये खुश होगा। रोहित लाइन में नहीं लगना पड़ा, खुश होगा।
पेट के लिए तो मेरे ख्याल में शायद हैंडलिंग है कैरी करने के लिए, और 50 तोला इसमें लाइन में बचे तो यहाँ पर गए। एक बार देखो कितनी लंबी लाइन है। भाई इसका इतना बढ़िया आइडिया बताया था बीच में तो निकल लूँगा, कते नहीं माननी डट जी आने गलत काम नहीं करना है गलत। एक मिनट में निकल गए प्रेन, एक दो तीन तीन समुंदर पार करने थे। मैंने रिचार्ज करना मिलता कि तय हो रहा है। रोहित कहाँ से चलेंगे बोली सीधे सीधे चलेंगे। पार्ट लिया फिल्टर भाई साहब मुझे नहीं पता था इतने राउंड चाहिए ऐसे ऐसे लगे माता की। मैंने इस तरह को ही थी पहले ये तीन समुद्र पार करने हैं और इजीली कर लेते मैं। ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हम किसी तीर्थ स्थान पे आए और वो ऐसे नहीं है सिर्फ मेन मंदिर में जाने के लिए रास्ता होता है वो वाली फीलिंग है। भाई बैग चेक होने लगे हैं कनिका के। इस बैग में क्या क्या लेगा रही कनिका? सिगरेट विगरेट गांजा वांजा कुछ? आगे से आदेश आ रहे हैं भाई। मिस करना मेरे को, मिस करना पूरा ट्रिप वीडियो कॉल पे दिखा दूंगी जहाँ लग गएगा मन मुक्का। मैंने तारी ना सुनती अपने आप बैठने लग रही हूँ। मैं दुबई ना जाती मैं जो चॉकलेट लाऊ। कितनी तेज है यार दिव्यानी। भाइयों यो बैग मेरा लाद दिया और इसमें कुछ नहीं है यूज का, कुछ भी यूज का नहीं है। यो सिंगापुर से लेके आएंगे इस बैग को भर के। यो बैग हमारे बड़े बैग मास्क का था पर इसने मेरा कंधा था तुरंत, मतलब है इस चीज का बदला लिया जाएगा। गाइज हमारी बोर्डिंग हो गई है और अभी हम निकल रहे हैं फ्लाइट को कैच करने के लिए। आगे भी हम लास्ट कॉल पे आए हैं देख लो। खाने पीने में इतने बिजी थे। ओके मिलते हैं सिंगापुर में।